इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है नमस्ते सदावत सले मातृभूमि आज मैं एक मीडिया रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नवाब मलिक जो कि महाराष्ट्र में इस समय एनसीपी के लीडर हैं और इस समय वो मिनिस्टर भी हैं उन्होंने एक बड़ा उमदा स्टेटमेंट दिया हालांकि ऐसे उमदा स्टेटमेंट देने वाले ओवैसी भी भारत में हैं जो उमदा स्टेटमेंट देते रहते हैं उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो देवेंद्र फडनवीस ने कोई बात कही पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर उस बात की रिप्लाई में उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि बीजेपी अगर ये 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 करे तो हम खुलकर समर्थन करेंगे नवाब मलिक के इंटेंशन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक इंटेंशन का कानूनी पहलू समझाने की कोशिश करूंगा कि कानूनन हम कैसे इंटेंशन देखते हैं एक्चुअली मामला है मेनसरिया का दुराशय दुराशय से मतलब होता है उसका आशय कैसा है उस आशय के तीन हिस्से होते हैं और तीन हिस्से में हम सबसे पहले हिस्से में कहते हैं कि उसकी आ, मोटिव क्या है मोटिव कहीं ना कहीं से उसके माइंड में क्लिक करेगा कुछ करते हुए देखेगा कुछ योजनाएं देखेगा कुछ उसको समझा दिया जाए कुछ मदरसों में समझा दिया जाए कुछ स्कूलों में समझा दिया जाए बैटिंग फील्ड पर समझा दिया जाए ग्राउंड पर समझा दिया जाए ये कुछ भी समझाना जिसकी वजह से दिमाग में एक क्लिक करता है उसको मोटिव कहते हैं हेतुक कहते हैं इस हेतुक पर वो अगर कंफर्म कर लेता है कि मुझे ये करना है तो उसको विल कहते हैं इच्छा होती है और इस इच्छा पर जिस समय वो डिजाइन बनाना शुरू करता है कि कैसे करना है तो हम कहते हैं ये उसका आशय है, है अब अच्छा काम करने डॉक्टर है अगर डॉक्टर अच्छा काम करने जा रहा है यानी कि ऑपरेट करने जा रहा है पेट फाल्ट का तो वो डॉक्टर अच्छे के लिए कर रहा है कोई दोष नहीं लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति बॉडी की ऑर्गन निकालने के लिए जा रहा है वो भी ओटी की तैयारी कर रहा है वो भी एक डॉक्टर है वो भी ये काम करना जानता है वो भी शरीर का ऑपरेशन करना जानता है लेकिन इन दोनों डॉक्टरों में फर्क है एक डॉक्टर पेट फाड़ रहा है इस उद्देश्य से कि उसको सही करना है और एक डॉक्टर पेट फाड़ रहा है इस उद्देश्य से को उसको इस बॉडी के साथ गलत करना है इसकी ऑर्गन है इसलिए स्टेटमेंट इस दो लोग एक सा दे सकते हैं दो लोग एक सी बात कह सकते हैं लेकिन उन दोनों के इंटेंशन मोटिव विल और रिया यानी कि दुराशय में फर्क आ जाएगा और यही घटना को क्राइम बनाएगा या घटना को सद्भावपूर्वक बनाएगा अगर मोटिव विल मींस रिया के साथ किसी ने कोई कार्य किया है एक्टिव एक्ट और प्ले कर दे यानी कि तैयारी कर ले और तैयारी करके कुछ काम कर ले तो ये क्राइम हो जाता है भले ही सामने वाले को नुकसान हुआ या नहीं हुआ सामने वाले को चोट लगी या नहीं लगी दूसरा यही मोटिव और विल और विल के बाद अच्छा इंटेंशन टू गुड फेथ अगर वो तैयारी करता है और कुछ करता है तो हम ये सद्भावनापूर्वक कार्य कहते हैं और हम उसको एप्रिशिएट करते हैं उसको कुछ तमगे भी देते हैं और उसको हम किसी न किसी तरह का अवार्ड रिवार्ड भी देते हैं ये दो फर्क हैं काम दोनों में एक सा होता है कि कुटिल मस्तिष्क का क्या कहता है उसके मस्तिष्क में क्या भरा हुआ है अब सोचने की बात है कि हिंदुस्तान का प्रभाव या हिंदुस्तान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि ये वसुदय कुटुंबकम पर विश्वास करता है ये धर्म परिवर्तन पर विश्वास नहीं करता है क्यों क्योंकि सनातनी रूप से हम वही हैं हम सबसे पहले आए फिर किसी ने उसका खतना करके उसको मुसलमान बनाया किसी ने कलमा पढ़कर उसको मुसलमान बनाया किसी ने उसको बाइबल पढ़ाकर क्रिश्चियन बनाया और किसी ने कुछ करवाकर कुछ बनाया लेकिन सनातन तो वो है जो कोई संप्रदाय को भी नहीं मानता अगर वो कोई पूजा पाठ नहीं करता तो भी वह सनातनी हिंदू है ऐसी परिभाषा है तो अब बात यहां पर आती है कि ये दिमाग में कूड़ा कौन बैठाएगा मैंने कहा हिंदुइज्म में तो ऐसा कूड़ा बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं लेकिन हाँ एक जरूर जरूर बात कलंतर में कही गई कि अगर कोई दूसरा हमारे प्रति ऐसा व्यवहार करता है तो डिफेंस के रूप में हमको डिफेंस करना चाहिए और उसका भरपूर महाभारत करना पड़े तो महाभारत करेंगे और भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको मर्यादाओं से बहुत प्यार है उनको भी अगर रावण वध करना पड़े महान विद्वान रावण वध करना पड़े तो रावण वध करेंगे यह हिंदुस्तान की प्रवृत्ति रही है अब यहां मैं नवाब मलिक पर पुनः आ जाता हूं देवेंद्र फडणवीस ने कोई स्टेटमेंट देते समय एक बात कह दी कि देखना आगे कराची भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा होगा बड़ा बुरा लग गया नवाब मलिक को किसी ने पूछ दिया उनसे और उनसे पूछ लिया कि भाई कराची भारत का हिस्सा होगा ऐसा देवेंद्र जी कह रहे हैं आपकी क्या राय तो उन्होंने बड़ी कुटिल्यता से उसका जवाब दिया अगर भारतीय जनता पार्टी बांग्लादेश और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में शामिल करेगी तो मैं पहला सपोर्टर हूंगा बीजेपी का यह कुटिलता से कहा कराची भारत में होगा या नहीं होगा यह भविष्य बताएगा और यह निश्चित है कि होगा क्योंकि भारत का इतिहास कुछ इस प्रकार का है कि भारत बहुत बार विखंडित हुआ मैं आपको बता देता हूं कि जो नोन रिटिन इतिहास है सोलह महाजनपदों में भारत बटा हुआ था यह भारत भूमि सोलह महाजनपदों में बटी हुई थी सोलह में अलग अलग राजा बैठे हुए थे उनके ऊपर एक चक्रवर्ती सम्राट बैठता था दूसरी तरफ जब ये अशोक का शासन खत्म हुआ या मौर्यों का शासन खत्म हुआ तो भारत फिर विखंडित हुआ गुप्तों ने फिर भारत जोड़ा गुप्तों ने 300 वर्ष 400 वर्ष शासन किया भारत पर उसके बाद 300 वर्षों तक भारत के तीन टुकड़े रहे वो एक सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश रहा जिसने साउथ पर शासन किया एक पाल वंश रहा जिसने नॉर्थ पर शासन किया ओ पूरब में शासन किया और तीसरा जिसने उत्तर में शासन किया वो राजपूत वंश था गहड़वाल वंश जिसको कहते हैं कन्नौज और फरुखाबाद की बात इसलिए बार बार करता हूं पांचाली पांच पतियों की वजह से नहीं कही जाती थी पांचाल देश की राजकुमारी की वजह से वो पांचाली कही जाती थी और पांचाली उस फरुखाबाद जिसका नाम बाद में फरुखाबाद रख दिया गया फरोखशेर के राजाभिषेक के बाद उस फरुखाबाद के पांचाल देश का राजकुमार दृश्य वो महाभारत में सेनापति हुआ करता था पांडवों का और अंत तक नहीं मरा सबसे बाद में अश्वत्थामा ने उसको धोखे से मार दिया पूरी कौरव सेना समाप्त हो चुकी थी इसलिए ये जो पुराना इतिहास हमारा है महाजनपदों का वो महाजनपदों के इतिहास के बाद हम पुनः आ गए किसी न किसी प्रकार से ट्राइपटिशन में तो तीन भारत बने तीन आपस में युद्ध करते रहे 300 वर्षों तक तीन भारत रहे उसके बाद फिर भारत यूनाइट हुआ फिर भारत टूटा फिर भारत में अलग अलग देश टाइप के बन गए और इसके बाद फिर अंग्रेजों ने उसको जोड़ने की कोशिश करी और अंग्रेज जब गए हैं यहां से तो फिर से भारत तीन भारत बने आज तीन भारत हैं उस समय दो भारत बने थे बल्कि तीन भारत म्यांमार का हिस्सा पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये तीन हिस्से बने पाकिस्तान पुनः टूटकर फिर दो हिस्से बने इसका मतलब यह हो गया कि भारत चार हिस्से स्वतंत्रता के पहले या बाद में लगभग उन्नीस के बाद भारत के चार हिस्से हुए डिपेंड करेगा कि वो कौन उसको सबको यूनाइट कर लेता है वो शासक के ऊपर डिपेंड करता है कि जब भारत में एक ऐसा शासक बैठता है जो रिलीजियस रूप से सभी को अपास्त करता है जैसे मैं कहता हूं कि अशोक के टाइम पर पूरा भारत बौद्ध हो गया था और बौद्ध बड़ी भारी संख्या में हो गया था जिसका नतीजा निकला कि बौद्ध वर्षे ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण धर्म का मतलब हिंदू धर्म है ब्राह्मण का मतलब ये आज के तथाकथित ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण का मतलब ब्रह्मांड को जानने वाला विद्वान यानी कि विद्वानता का जो धर्म है वो ब्राह्मण धर्म हुआ करता था विद्वानों का धर्म ब्राह्मण जो ब्रह्मांड को जानता है वो हिंदू बाद में उसको हिंदू कहा इस युग में जिस समय चरम पर बौद्ध आया तो भारत में फिर से वही कन्फ्लिक्ट हुए और बाद में बौद्ध जिस समय पुष्यमित्र शुंग बैठा और उसके बाद के शासक बैठे तो बौद्ध धर्म हमारे यहां हाशी पर रह, रह गया और उसने उत्पूर्व में शरण ली इनकी भारत में जो रिलीजन ग्रहण करने वाले लोग हैं और रिलीजियस उदमाद मचाने वाले लोग हैं उनको भी अगर अच्छा शासक बैठ जाए तो उनकी सबकी घर वापसी होती है और भारत में जब अंग्रेज यहां से जा रहा है तो 1941 की जनगणना के अनुसार 46 परसेंट भारत में क्रिश्चियन बना चुका था आज कहां है वो क्रिश्चियस छियालीस यानी कि जो शासक बैठता है उन्नीस में जो शासक बैठा उसका काम था कि हिंदुस्तान को पुनः वैभवशाली हिंदुस्तान बनाए उसने ऐसा नहीं किया जिसका परिणाम निकला कि हिंदुस्तान तीन हिस्सों में उस समय बटा बाद में चार हिस्सों में बटा अभी रिलीजियस अनुमाद भारत की सबसे बड़ी समस्या है भारत में जब शासन बैठेगा तो रिलीजियस उदमाद को खत्म किए बगैर पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि रिलीजियसली राक्षस जब बढ़ जाएंगे जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश और हिंदुस्तान में तथा कथित उनके कुछ साथी या हिंदुस्तान में उनके कुछ साथी जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं वो अगर मिलकर तीनों मिल जाएंगे तो फिर से वही होगा जो वही करना पड़ेगा जो राम को रावण के साथ करना पड़ा जब रावण का साम्राज्य तीनों लोकों में था और राक्षस प्रजाति बढ़ चुकी थी मलक्षों की प्रजाति बढ़ चुकी थी उसको मलक्ष्य नहीं कहते उस जब बढ़ चुकी थी तो भगवान राम को तेकालदर्शी रूप में दर, दर जन्म लेना पड़ा और राक्षसों का संग्रह करना पड़ा राक्षसों के युग के लोग बाद में राम राज्य की संकल्पना करते हुए भगवान राम के आदर्शों को फॉलो करते हुए उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी ऐसे ही सबसे पहला नवाब मलिक साहब हिंदुस्तान में रहने वाले जो मलिक्ष हैं उनको पहले भारतीय बनाना पड़ेगा पहले उनको भारत की मूल संस्कृति के साथ लाना पड़ेगा वो जो भटकी हुई संस्कृति के साथ जुड़ चुके हैं उस संस्कृति से उनको दूर करना पड़ेगा ये पहला काम होगा उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान में भटके हुए लोग जो पूर्ववत हिंदू थे या पूर्व में हिंदू थे पूर्व में भारतीय संस्कृति को मानते थे बाद में वो अरब की संस्कृति के गुलाम हो गए या वो उस संस्कृति को किसी प्रकार से भी अडॉप्ट कर बैठे उनको भी भारतीय संस्कृति में वापस लाना पड़ेगा और उसके बाद जब इतना कार्य हो जाएगा तभी भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाकर फिर से बृहत्तर भारत बनेगा इसलिए आपका जो कुटिल मस्तिष्क है जो मैंने पहले कहा आपका कुटिल मस्तिष्क यह कहता है कि राक्षसों को एक साथ में ला लो तो राक्षसों की आबादी बढ़ जाएगी या मलेक्षों की आबादी बढ़ जाएगी और मलेक्षों की आबादी बढ़ जाएगी तो रावण की तरह आपके विचार हो जाएंगे और आप साधु संतों का नरसंहार करने के लिए अग्रसर होंगे ऐसा आपका विचार रहा होगा लेकिन आपको अंदाजा नहीं है जब राक्षसों की प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तभी भगवान का अवतार होता है और उस अवतार में राक्षसों का संघार होता है राक्षस कौरवों के रूप में आते हैं राक्षस रावण के रूप में आते हैं राक्षस सदैव राक्षसी प्रवृत्ति के साथ आते हैं और अभी राक्षस मलिक्षों के रूप में इस संसार में है इनका संघार करने करते समय ही इनका संघार होने पर ही बृहत्तर भारत पुनः और पुनः स्थापित होता रहा और जब जब पार्टीशन हुआ तो ये राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई और राक्षसी प्रवृति बढ़ने के बाद देवताओं से वो अलग हो गए और देवताओं से अलग होकर उन्होंने अलग साम्राज्य बनाया और वो अलग साम्राज्य बनाकर देवताओं को विजित करने की इच्छा रखते हुए उन्होंने अत्याचार करने शुरू किए और उसके बाद भगवान का या भगवती का अवतार हुआ और उन्होंने उनका संघार किया इसलिए नवाब मलिक साहब यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब इतिहास भारत का ऐसा है कि जिस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलेगा भारत में या बृहत्तर भारत बनेगा उससे पहले जो संघार है संघारक का जन्म होना चाहिए संघारक पहले आपकी मानसिकता का संघार करेगा देश में जो उल्टी मानसिकता पैदा हो गई है उसका संघार करेगा उसका संघार जैसे ही हुआ वैसे ही भारत पुनः अपने आप बृहत्तर भारत बन जाएगा उसको मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उसको युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कराची भारत का हिस्सा हो चुका होगा और भारतीय उपमहाद्वीप सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया अपने आप स्वतः एक हो जाएगा ऐसा महाभारत से लेकर अभी तक के कम से कम दस प्रकरण हैं जिसमें भारत कई बार विखंडित हुआ और पुनः भारत एकत्र हो गया लेकिन हर बार एकत्रीकरण का एक साधन था कि विधर्मियों को और राक्षसों का संगहार होना राक्षसों का जिस समय संगहार होता है राक्षसी प्रवृत्ति का होता है जिस समय मलेक्षों का संगार होता है उस समय भारतीय उपमहाद्वीप पुनः अपने आप एक हो जाता है उसके लिए कुछ एक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती उसके लिए कोई अलग से शक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती यह भारत का इतिहास है इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि किस प्रकार से ये कुटिल मानसिकता या मेनसरिया जिसको आप दुराशय कहते हैं दुराशय के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं आपके कुछ फॉलोवर्स आगे बढ़ना चाह सकते हैं आपकी मंशा ये बताती है कि आप भारत के कितने हितैषी हो सकते हैं मंशा आपके कृत्यों से पूर्व कृत्य आपके बताते हैं कि आपकी मंशा कैसी रही होगी इसलिए भारत तो बेहतर बनेगा लेकिन उसको बनाने का जो तरीका होगा वो वही होगा जो हर बार भगवा के अंतर्गत हुआ और भगवान जिस प्रकार भगवान ने जन्म लेकर भगवा ध्वज पहर-पहर फहराते हुए भारत एकत्रित किया और एकत्रित करते हुए मलिक्षों का संघार किया वही अपनी तरीका फिर से होगा थैंक यू वेरी मच यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें